शाहजहाँपुर कृषि उपज मंडी में किसानों ने किया हंगामा। मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर किसान नाराज। नाराज किसानों ने मंडी में खरीदी करवाई बंद। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, व्यापारी और किसानों की बैठक। शाहजहाँपुर कृषि उपज मंडी में आज अव्यवस्थाओं और सोयाबीन की उपज का सही भाव न मिलने पर किसानों ने हंगामा कर दिया। नाराज किसानों ने नारेबाजी भी की और मंडी में खरीदी बंद करवा दी। मामले की जानकारी लगते ही SDM तहसीलदार कोटवाली TI सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। छुट्टियों के चलते 4 दिन बाद मंडी खुली और आज किसान बड़ी मात्रा में आलू, प्याज और सोयाबीन की फसल को लेकर आ गए। बड़ी मात्रा में उपज आने से सोयाबीन के कम भाव व्यापारी देने लगे। सबसे अच्छा सोयाबीन 5,000 रुपये क्विंटल में खरीदा जाने लगा। इससे नाराज किसानों ने नारेबाजी करते हुए खरीदी बंद करा दी। मंडी में एक घंटे से ज्यादा समय तक हंगामा चला। नाराज किसानों को SDM शैली कनास ने समझाइश दी और व्यापारियों और किसानों की बैठक करवाई, तब जाकर किसान माने। बात ये हुआ कि मंडी सोयाबीन वाले बोल रहे हैं कि हम माल नहीं खरीदेंगे। प्याज वाले बोल कि इधर से प्याज का रास्ता नहीं, मतलब अव्यवस्था। कुछ मंडी मंडी की भी है प्रबंधक की, तो नाइट में माल प्याज का खाली नहीं करवाता है। नाइट में माल खाली करवाना चाहिए प्याज। भीड़ नहीं होती तो रात में आ जाता है क्या प्याज? रात को 3 बजे का खड़ा है ट्रैक्टर। 12 बजे आ गए थे सर, 3 बजे का खड़ा है ट्रैक्टर, जो अभी तक खाली नहीं हुआ है। खाली होकर गए और फिर नाइट में लगे, टंकी चौराहे तक जाम लगा है। मैं पचोला नाम से भारतीय किसान संघ का जिला सदस्य हूँ। और सोयाबीन की क्या स्थिति? सोयाबीन की व्यवस्था भी कुछ नहीं, अभी सब फड़ भरी हुई है इनकी। कर्मचारी नहीं है और कर्मचारी की व्यवस्था नहीं, और जिसके बाद किसान का माल भी नहीं ले रहे हैं अभी, कि हमारा व्यवस्था नहीं होगी जब तक माल नहीं खरीदेंगे। आज हम क्या है शाहजहाँपुर मंडी में सोयाबीन लेके आए, तो यहाँ पे प्याज आलू और प्याज की और सोयाबीन की दोनों की जो मंडी के लिए ट्रैक्टर आए हैं, उस ट्रैक्टर में आने के लिए मंडी की तरफ से पूरी अव्यवस्था थी। जब व्यापारी सोयाबीन खरीदने आया तो व्यापारी ने बोला कि हम इस अव्यवस्था में सोयाबीन नहीं खरीदेंगे। किसान काफ़ी परेशान था। किसान ने SDM मैडम तहसीलदार साहब को बुलवा के और मंडी जब चालू करवाई तो व्यापारियों ने डायरेक्ट किसानों का गला काटने का कार्य स्टार्ट करा। उनने बोली को 4700 से 4800 स्टार्ट करी, 5180 रुपये पे जाके एंड कर दी, जो कि टॉप ग्रेडिंग का माल था, जो कि आज की तारीख में वो माल 6200 से ऊपर का माल था। उस माल को व्यापारियों ने किसानों का गला काटते हुए 4800 से लगा के 5100 तक खरीदा। तो हम सब किसानों ने ये निर्णय लिया कि हम इस भाव में हमारा गला नहीं कटाएंगे, और हमने इसका विरोध करा। विरोध करने के पश्चात मैडम ने समझाइश दी, फिर वापस से मंडी स्टार्ट हुई है। अब देखते हैं क्या होता है, अगर उसमें किसी प्रकार का अगर कुछ होता है तो किसान फिर अपना माल नहीं देगा और आंदोलन करेगा। देखिए आज तो ऐसा है कि 4 दिन बाद मंडी खुली थी और काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसान जो है आलू प्याज लेके इस रास्ते से आए थे, और जो है मंडी सुबह से प्रारंभ नहीं हो पाई थी, थोड़ी अव्यवस्था हो रही थी। तो ऐसा गंभीर विषय नहीं था, केवल थोड़ी अव्यवस्था हो गई थी। काफ़ी 4 दिनों बाद मंडी जो खुली थी उसकी वजह से काफ़ी संख्या में एक जगह पर ट्रैक्टर वगैरह एक गेट पर आ गए थे, उससे थोड़ा सा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद व्यापारियों का कहना था कि जब तक ये आलू प्याज के ट्रैक्टर आप व्यवस्थित पीछे नहीं लगवा देते तब तक हम थोड़ा माल लेना शुरू नहीं कर सकते। फिर हम आए तो हमने उनसे बात करके हमने कहा कि ये व्यवस्था हम बना देंगे, आप जो है मंडी चालू करें। तो मंडी की नीलामी शुरू हुई, नीलामी शुरू हुई तो थोड़ा सा रेट को भी लेकर के विवाद हो गया। रेट को लेकर के ये विवाद हो गया कि अन्य जगहों के थोड़ी ज़्यादा प्राइस में अन्य मंडियों में जा रही है, जबकि शाहजहाँपुर मंडी में कम प्राइस में जा रही है। तो इस संबंध में भी व्यापारियों का ये कहना था कि मंडी के जो दरें हैं वो ना तो किसान तय करते हैं ना व्यापारी तय करते हैं, बाज़ार तय करते हैं। तो जो बाज़ार होता है उसके हिसाब से मंडी हो रही है, और उनका जो ये कहना था कि उनको जो आज बेचने में आया उन्होंने मिलती भी दिखाई तो 5300 रुपये की थी। तो मूल विवाद ये था कि अभी ये मंडी की नीलामी अलग अलग बातों को लेकर प्रारंभ नहीं हो पा रही थी, तो उसको हमने अभी प्रारंभ करा दिया है। जो भी किसान जो भी जिन दरों पर व्यापारी खरीद रहे हैं, आज जो बोली लग रही है केवल 3 ट्रॉली की बोली लगी थी, उसके बाद हंगामा हो गया था। तो अभी हमने ये कहा कि बिना हंगामे के पहले आप लोग बोली लगा दीजिए, उसके बाद यदि कोई अदरवाइज विवाद की स्थिति बनेगी तो हम उसको देखेंगे।